हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी अभी मुझे पता चला है कि होंडा ने एक बाइक की प्राइस सीधे सीधे 50,000 रुपये कम कर दी है। सो आज की हमारी वीडियो इसी बाइक के ऊपर होने वाली है। सो इस वीडियो के ऊपर बने रहिए, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो हाल फिलहाल में ही होंडा ने कुछ अपनी 300 cc कैटेगरीज की बाइक इंडिया में लॉन्च की थी। उसमें से ही एक बाइक थी होंडा CB 300F। जब यह बाइक इंडिया में लॉन्च हुई थी तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस 2,25,900 थी इन पुणे। और कुछ दिनों पहले ही होंडा के ऑफिशियल्स ने हमें बताया था कि इस बाइक की प्राइस सीधे सीधे 50,000 रुपये कम होने वाली है, और वो हो गई है गाइज। अब होंडा CB 300F की एक्स शोरूम प्राइस इन पुणे 1,75,900 है गाइज। स्टेट वाइज ये प्राइस चेंज होने वाले है, सो आप ये ध्यान में रखें। इस बाइक की तरह ही और एक बाइक थी यामाहा की FZ25। FZ25 की प्राइस बहुत ज़्यादा था, उसमें भी 30,000 रुपीज का ड्रॉप आया था यामाहा की तरफ से। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कंपनी इतनी प्राइस ड्रॉप क्यों कर रहे हैं, तो सीधा सीधा हिसाब है गाइस इस बाइक को कि सेल्स नहीं हो रही है। जब ये बाइक इंडिया में लॉन्च हुई थी तब बहुत लोगों ने कहा था कि ये बाइक ओवर प्राइस है, और वो एक्चुअली में निकल के आया क्योंकि इस बाइक की सेल्स रेट बहुत कम थी। जब ये बाइक इंडिया में लॉन्च हुई थी तभी मैंने इस बाइक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वहां पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, उसमें डिटेल रिव्यू दिया गया है गाइस। सो अब बात करते हैं इस बाइक के बारे में। सो लुक वाइज, फीचर वाइज और पावर वाइज इस बाइक में कोई भी कमी नहीं थी, सिर्फ कमी थी तो वो प्राइसिंग की। अभी वो कमी भी होंडा ने एक पूरी कर दी है, क्योंकि 50,000 ड्रॉप बहुत बड़ा मतलब ड्रॉप होता है कोई भी कंपनी के लिए। सो अभी ये बाइक टफ कॉम्पिटिशन देने वाली है RTR 200 4V को, वापस Duke 250 को, जावा पराग को, क्योंकि ये बाइक सिमिलर प्राइस रेंज में आते है। होंडा की परफॉर्मेंस बाइकों का यही झमेला था कि होंडा जब भी परफॉर्मेंस बाइक इंडिया में लॉन्च करता था तभी तभी इस बाइकों की प्राइस इतनी हाई रखता था कि उनकी सेल्स ही नहीं होती थी, जैसे कि CBR 250R। यह बाइक ऑलमोस्ट 1,70,000 1,80,000 एक शोरूम के प्राइस में आती थी पुणे में। वैसे तो वो बाइक बहुत ही अच्छी थी 250 cc कैटेगरी में, बट उन्होंने उसमें कुछ अपग्रेड नहीं दिया तो वो बाइक भी फ्लॉप हो गई। अभी होंडा वालों ने CB 300F के तरफ जरा सा दिमाग रखे, इसकी प्राइस कम कर दी है। सो ये बाइक की सेल्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी है, थोड़ा सा अपडेट दे दिया तो और अच्छा लगेगा इस बाइक में। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल का माँ मोटो मैस, और अपने सब्सक्राइबर डे टू डे बढ़ते ही जा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर ऑल आवर सब्सक्राइबर टीम जो हमें इतनी अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। आप इसी तरह से अच्छा अच्छा कॉन्टेंट आपको मिलने वाला है, सो इसी तरीके से मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय गाइज।